जहां सारा देश कोरोना से जूझ रहा है तो वहीं दिल्ली में छूटा अचानक से कोरोना बम, जिसके छींटे देश के सभी राज्यों में गए हैं। यहां हम बात कर रहे हैं दिल्ली के निजामुद्दीन कॉलोनी में स्थित निजामुद्दीन तबलीगी जमात मकरज से निकले मुस्लिम लोगों की, जिसके कारण कोरोना संकट की इस घड़ी में खौफ के साथ साथ डर का माहौल भी पैदा हो गया है। आखिर निजामुद्दीन कॉलोनी के तबलीगी जमात मरकज में क्या क्या हुआ, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की यह खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। एक और कोरोना वायरस की जानलेवा महामारी देश भर में अपने पांव पसार रही है, वहीं दिल्ली सरकार और पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे सैकड़ों की संख्या में निजामुद्दीन इलाके में स्थित जमात के मरकज में सैकड़ों लोग एकत्रित हुए, इसके बाद अपने अपने देश और राज्यों में चले गए। मामला तब खुला जब यहां से तेलंगाना वापस लौटे 6 लोग अपनी जान गंवा बैठे। साथ ही तमिलनाडु के 64 वर्षीय बुजुर्ग को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाना पड़ा और उसकी भी मौत हो गई। जब पड़ताल की तो पता चला कि यहां तो कोरोना संक्रमणधारियों का पूरा जखीरा मौजूद है। बता दें दिल्ली की निजामुद्दीन कॉलोनी स्थित तबलीगी जमात के मरकज से अब तक 2361 लोगों को निकाला जा चुका है। निकाले गए लोगों में से 441 लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। वहीं 1107 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। पता चला है कि दिल्ली की निजामुद्दीन कॉलोनी स्थित तबलीगी जमात के मरकज में 14 और 15 मार्च के बाद लगातार देशी विदेशी मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों का आना जाना था। ये वो टाइम था जब केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के बीच सतर्कता बरतने को कहा था। कोविड-19 कोरोना वायरस के प्रसार से बचने के लिए सामूहिक समारोह को कम करने की सलाह दी थी। यही नहीं, होली मिलन समारोह को भी रद्द कर दिया गया था। इसी कड़ी में 19 मार्च को राष्ट्र को संबोधित करते हुए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया। इसके बावजूद सभी सावधानियों और कानूनी नियमों को ताक पर रखते हुए मरकज में आयोजन जारी रहा। यहां तक कि 2000 के करीब देशी विदेशी मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों का यहां जमावड़ा लगा रहा, लेकिन न तो पुलिस और न ही जिला प्रशासन को इसकी भनक लगी। मामला सामने आते ही निजामुद्दीन कॉलोनी सील कर दी गई है, इलाके में स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी गई है। गौर करने वाली बात तो ये है कि पिछले दिनों यहां से करीब 800 लोग बाहर जा चुके हैं। पुलिस अब जाकर इन्हें तलाश कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि इनमें से कई अन्य राज्यों और अन्य देशों में भी पहुंच चुके हैं। प्रशासन अब हर किसी को ट्रैक कर रहा है और कार्यक्रम में शामिल होकर अंडमान पहुंचे 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये मामला और अधिक बढ़ सकता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते आने जाने पर पाबंदी लगने से यहाँ के लोग यहीं रह गए और इतने के बाद भी न तो इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और न ही अन्य बातों का। जब यहाँ तलाशी ली गई तो बिना किसी सुरक्षा के एक एक कमरे में 8 से 10 लोग मिले। तेलंगाना में हाल में जो 6 लोगों की मौत हुई है वो सभी इस आयोजन में शामिल होकर लौटे थे। लॉकडाउन और सरकार की इतनी सख्ती के बावजूद मरकज के मौलाना ने न तो इसकी सुरक्षा का ध्यान रखा और न ही किसी को सूचना दी, बल्कि इसकी जानकारी को दबा कर रखा। रविवार को जब प्रशासन और पुलिस यहां पहुंची, तो इतनी तादाद में एक साथ लोगों को देख सबके तोते उड़ गए। रविवार को यहां से 99 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 24 पॉजिटिव मिले, जिसके बाद इनकी संख्या बढ़कर 121 पहुंच गई है। अब इस मसले पर राजनीति शुरू हो गई है। एक ओर जहां दिल्ली पुलिस ने धार्मिक आयोजन की इजाजत न होने के बावजूद इतनी भारी भीड़ के एक साथ जुटने पर आपत्ति जताई, वहीं मरकज ने अपनी सफाई देते हुए पुलिस की ओर से ध्यान न देने की बात कही। तबलीगी जमात सफाई दे रहा है कि लोगों को ट्रेनों या दूसरी जगह से बाहर जाना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते वह जा नहीं पाए। उन्हें निकालने के लिए वाहनों का इंतजाम किया गया था। दिल्ली पुलिस ने मरकज को नोटिस भी दिया था और इन वाहनों की लिस्ट दिल्ली पुलिस को दी गई थी ताकि वाहन पास मिल जाए, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए LG को सख्त कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि संकट की ऐसी परिस्थितियों में आयोजकों ने घोर अपराध किया है। वहीं अब मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस आयोजन और घटना से अपने हाथ खींचना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है कि जिस आयोजन में 2000 से अधिक देशी विदेशी लोग जुड़े हुए हों और उस आयोजन का अन्य लोगों को पता न हो, सच नहीं लगता। खैर, यहाँ कहीं न कहीं पुलिस और स्थानीय प्रशासन की भी ढिलाई साफ तौर पर दिखाई देती है। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान ने चुप्पी तोड़ी है और पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाया है। आप विधायक ने ट्वीट करते हुए कहा कि 23 मार्च को रात 12 बजे मैंने DCP साउथ ईस्ट और ACP निजामुद्दीन को बता दिया था कि निजामुद्दीन मरकज में 1000 के आसपास लोग फंसे हुए हैं।
फिर पुलिस ने इनको भेजने का इंतजाम क्यों नहीं किया। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निजामुद्दीन मरकज मामले पर कहा 2361 लोगों को मरकज से निकाला जा चुका है, इसके बावजूद ऐसा आयोजन गैर जिम्मेदाराना है। निकाले गए लोगों में से 441 लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। 1107 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। मरकज में 12 और 13 मार्च को विदेशों से भी लोग आए थे। गैर जिम्मेदाराना अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली सरकार ने LG से FIR दर्ज करने को कहा है। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भारत में अब तक मरीजों की संख्या 1352 को पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो यहां 250 से अधिक पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि 10 से अधिक लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना वायरस की चपेट में आने से अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।